कोरोना वायरस से अमवाद का सिलसिला रोक न सका। दुनिया भर में मोजी वबा से 37,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। स्पेन में मजीद 913 हलाक और इटली में 812 शहरी जान से गए। दुनिया को इस वक्त कोरोना जैसे मोजी वायरस का सामना है, जिसने आलमी सतह पर 6,63,740 अफराद को अपनी लपेट में ले रखा है और इसमें हर आने वाले रोज इजाफा देखने में आ रहा है। दुनिया भर में 8,00,000 मरीज, 37,000 से ज्यादा हलाकतें हो गयी। 24 घंटों के दौरान स्पेन में मजीद 913 हलाक हो गए। मरने वालों की तादाद 7,716 हो गई है। उधर इटली में भी कोरोना के वार जारी, वायरस से मजीद 812 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 11,591 तक जा पहुंची। कोरोना मरीजों की तादाद 1,00,000 से बढ़ गई। फ्रांस में 418 अफराद मौत के मुंह में चले गए। बरतानिया में 180 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दूसरी जानिब अमरीका में कोरोना के मरीजों की तादाद चीन से दुगनी हो गई। एक ही रोज 4,000 मरीजों में इजाफे के बाद तादाद 1,64,000 के करीब पहुंच गई है। अमरीका में 573 हलाकतों के बाद मजमुई तादाद 3,000 से बढ़ गई। मरने वालों की तादाद चीन में अमवात के करीब पहुंच गई। सदर ट्रंप ने पाबंदियां मजीद सख्त करने का इंदिया दे दिया। उधर अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान में कोरोना बहरान संगीन हो गया। 117 अफराद जान से हाथों बैठे, तादाद 2,757 हो गई। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरानी हुकूमत अद्वियात और तिब्बी सामान नहीं खरीद पा रही। अमरीकी मंजूरी के बगैर ईरान को तिबी आलात नहीं मिल सकते। इसराइली वजीर आजम के अमले में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। इसराइली वजीर आजम डर के मारे सेल्फ आइसोलेशन में चले गए।